हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी तापी एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर नदी निकलती है, ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी से, ऑप्शन बी तिब्बत से, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन से आपके, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार से। मतलब जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन हैं आपके महाबलेश्वर, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी खंडाला एंड ऑप्शन डी होगा आपका उद्गम मंडलम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी होगा आपका कोसी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस 707, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कावेरी नदी गिरती है? ऑप्शन से आपके बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलरमरुद मध्य में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खैबर का दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिहू किसका मुख्य पर्व है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका असम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी असम। तो बिहू जो है वो असम का मुख्य पर्व है और यहाँ का क्षेत्रीय लोकगीत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ऑप्शंस हैं गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी मंडे थर्सडे, ऑप्शन सी पाम संडे एंड ऑप्शन डी है आपका ईस्टर संडे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुड फ्राइडे के लिए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ईद उल जुलाह किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं
हजरत इब्राहिम, ऑप्शन बी हजरत अली, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हजरत इब्राहिम। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।